सूपी मनियारी में जल जीवन हरियाली योजना का खूब हो रहा है अपमान, कुआं उराही का नहीं हुआ है यहाँ पर काम। आपको जानकारी अवगत कराते चले, यह विजुअल अभी आप देख रहे हैं सुप्पी मनियारी पंचायत के वार्ड संख्या 13 की है, जहां पर कुएं के अंदर साफ सफाई के जगह पे अधिक से अधिक कचरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जिला अधिकारी मनीष कुमार मीना निर्देश देते हैं कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो भी कुआं में गंदगी है उसे सफाई कराना है, पर इसके अंदर झांकने वाले खुद बीमार हो सकता है। ऐसे इस प्रकार से जल जीवन हरियाली योजना का काम जोर शोर से चल रहा है, जिस पर जिला अधिकारी के विशेष पहल देखा जा रहा है, क्योंकि उनके ही पहल से आज इस योजना के बारे में लोग जाने हैं। बेशक यहां पर ग्रामीण क्या पुष्टि कर रही है, आइए जानते हैं। के कौन सा हुआ? वार्ड नंबर 13 मनियारी। मनियारी पंचायत में है जो ये कुआं, जो इनार जो है, ये सरकारी में है जमीन में है कि प्राइवेट है? ये सरकारी, सरकारी है। तो इसको उराही का काम नहीं कराया गया है? कुछ नहीं। अच्छा, सरकार पैसा नहीं दिया? आपको पता है कि पैसा नहीं दिया है सरकार? सरकारी है। तो इसको उराही का काम नहीं कराया गया है? कुछ नहीं। अच्छा, सरकार पैसा नहीं दिया? आपको पता है कि पैसा नहीं दिया है सरकार? चौबीस घंटा पहले 11,000 वाली वोल्ट की तार जलकर हुआ राख, 50 घरों में बिजली हुआ ठप। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, सुप्पी प्रखंड के ग्राम पंचायत राजहरपुर पिपरा वार्ड संख्या 4 में 24 घंटे पहले 11,000 वाली वोल्ट की तार अचानक आग लगने से जलकर खाक हो चुका है, जो ये विजुअल अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीण के भीड़ जुटी हुई है और आग को काबू करने में भी लगे हुए हैं। इसकी जानकारी जय मनोज कुमार को दिया गया है, पर अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। दोबारा से बिजली चालू न होने के कारण से उबल रहे हैं 50 घर के परिवार। गौर से आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आग को काबू करने में लोग जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आग फैलता ही जा रहा था। फिलहाल मैं बताते चलूँ कि ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं सुप्पी प्रखंड के हरपुर पिपरा के है, जहाँ पर वार्ड संख्या 4 में अचानक बिजली के तारों में आग लगने से ये समस्या उत्पन्न हुई है। SP मनोज कुमार तिवारी के निर्देश अनुसार सुप्पी थाना प्रभारी ने थाना गेट के सामने चलाया वाहन जाँच अभियान। यह विजुअल अभी आप देख रहे हैं सुप्पी थाना गेट के सामने की है, जहां पर प्रशासन के नज़रों से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर यहां से आप देखें किस प्रकार से खास करके नौजवानों पे यहां पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जांच के उल्लंघन करने वाले को यहां पर पूरे 500 रुपये की काटी गई है चालान। अब गौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन के नज़रों से बच के निकलने कोशिश किया जा रहा है। सीतामढ़ी सुप्पी से दीपक पटेल की रिपोर्ट।